Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. I have brought the lesson number 5, Indigo, written by Louis Fisher. And this lesson is meant for the students of class 12. And you may find this lesson in your book, Flamingo. ये फ्लेमिंगो बुक का पांचवा लेसन है. 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो लेक्चर है और टाइटल ऑफ द लेसन आप जानते ही हैं, इंडिगो, रिटन बाय लुईस फिशर. आप देख रहे हैं गांधी जी के बारे में ये लेसन है. गांधी जी का जो रोल चंपारण में जाके जो इन्होंने काम किए उसके बारे में. दिस इज वीडियो लेक्चर 1 एंड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन विल बी देयर इन दिस वीडियो लेक्चर. And you are watching Louis Fisher, and he was born on 29th February 1896. 29 February 1896 and he passed away on 15th January 1970. Let me tell you something about the author. The author Louis Fisher, aap jante hain naam, was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. और इन्होंने volunteer के रूप में, एक स्वयं सेवक के रूप में British Army में काम किया था और ये सेवा इन्होंने 1918 से लेके 1920 तक प्रदान की. Fisher made a career as a journalist and wrote for New York Times. जर्नलिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था इन्होंने और द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा, द सैटरडे रिव्यू के लिए लिखा एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस के लिए भी इन्होंने खूब लिखा. ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द फैकल्टी एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी. द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhiji by Times Educational Supplement. और फैकल्टी मेंबर ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रहे और ये जो एक्सर्प्ट है, ये जो पीस है, ये जो लेसन है, ये उनके द्वारा लिखी गई बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में से लिया गया है और ये बुक टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक मानी जाती है. यहाँ से लेसन शुरू हो जाता है और लुईस फिशर गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया, ही सेड, आई विल टेल यू हाउ इट हैपेंड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. It was in 1917. लुईस फिशर लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार गांधी जी से मुलाकात की 1942 में और इन्होंने सेवाग्राम आश्रम विजिट किया था जो कि सेंट्रल इंडिया में है, तो गांधी जी ने इन्हें बताया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह से ये सब हुआ, कि कब इन्होंने डिसाइड किया, निर्णय किया टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश. अंग्रेजों का शासन जो भारत में है, तो जो प्रशासन के लोग हैं उन पे दबाव बनाया कि वो भारत को छोड़ के चले जाएं और ये सब शुरू हुआ 1917 में. ही हैड गोन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ. दिसंबर 1916 की बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनुअल कन्वेंशन हो रही थी, एनुअल मीटिंग हो रही थी लखनऊ में. देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर्स. और उस कन्वेंशन में 2301 डेलीगेट्स थे और बहुत से विजिटर्स भी वहां पे पहुंचे हुए थे. ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, जो कार्यक्रम चल रहे थे तो इसके दौरान गांधी जी याद करते हैं कि अ पेजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पेजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेंशिएटेड एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट. तो वो लुईस फिशर को ये बातें बता रहे हैं एनुअल कन्वेंशन के दौरान. कहते हैं कि एक बार उनके पास एक किसान आया, पेजेंट, और जैसे किसान होते हैं सामान्य रूप से वैसे ही लग रहा था, गरीब, कपड़ों से बिल्कुल गरीब लग रहा था और शरीर से पतला दुबला, जैसे भूखमरी का शिकार हो, इमेंशिएटेड, जैसे भूख से पीड़ित हो. और उसने गांधी जी को आके कहा,
आई एम राजकुमार शुक्ला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ. आई एम फ्रॉम चंपारण और मैं चंपारण से आया हूँ. एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए. और आप नक्शे में देख रहे हैं ये चंपारण का इलाका है, ये ब्लैक में जो दिखाई दे रहा है. गांधी जी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस. गांधी जी ने चंपारण के बारे में कभी नहीं सुना था. इट वॉज इन दी फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयस नियर द किंगडम ऑफ नेपाल. नेपाल के राज्य के पास ये हिमालयस की टावरिंग मीन्स ऊंचे ऊंचे पर्वतों के पास ये जगह है, पर्वतों की तराई में जगह है चंपारण. अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स. और आप पंडित राजकुमार शुक्ला की तस्वीर देख रहे हैं, ये राजकुमार शुक्ला है. और लेखक लिखते हैं कि एक पुराना अरेंजमेंट था, कॉम्प्रोमाइज था पुराना, जिसके तहत जितने भी चंपारण के पेजेंट्स थे, किसान थे, वो शेयर क्रॉपर्स थे. राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम. राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक था. ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट. वह अनपढ़ जरूर था परंतु दृढ़ निश्चय था. राजकुमार शुक्ला का जो निश्चय था, पक्का इरादा था. अब आपको बताते हैं कि शेयर क्रॉपिंग थी क्या. इट्स एन अरेंजमेंट इन एन एग्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ लैंडलॉर्ड एंड ए टेनेंट इन विच द टेनेंट पेज ए फ्रैक्शन ऑफ द क्रॉप टू द लैंडलॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट द लैंडलॉर्ड्स प्लॉट ऑफ लैंड. ये एक अरेंजमेंट था, एग्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट था एक किस्म से. एग्रेरियन कॉन्ट्रैक्ट में एक अरेंजमेंट था. एग्रेरियन मीन्स रिलेटेड टू लैंड फॉर फार्मिंग, जो कृषि योग्य जमीन होती है उससे संबंधित एक कॉन्ट्रैक्ट था जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किया जाता है. काश्तकार टेनेंट होता है जो खेती करने वाले होते हैं, और जो जमीन का मालिक होता है उन दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है. इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो टेनेंट है, जो काश्तकार है, वो किराया नहीं देगा, वो क्रॉप उगाएगा और उसका एक फ्रैक्शन लैंडलॉर्ड को देगा, उसका एक हिस्सा जमींदार को देगा इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट द लैंडलॉर्ड्स प्लॉट ऑफ लैंड. जो लैंडलॉर्ड की जमीन है, सपोज करो ये 1 acre लैंड है, तो जो टेनेंट है, जो काश्तकार है, इसमें अपनी फसल उगाएगा, इसका किराया रेंट वैसे नहीं देगा कैश में, तो इसकी जो फसल होगी वो उसको जमींदार को दे देगा, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखेगा. तो he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar. तो राजकुमार शुक्ला ही कौन है? राजकुमार शुक्ला कांग्रेस सेशन में गांधी जी से मिलने आए थे और उनको कंप्लेन करने, शिकायत करने आए थे ये जो अन्याय किया जा रहा है लैंडलॉर्ड सिस्टम में. बिहार में जमींदारी सिस्टम था, उसके खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने आए थे. एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड, शायद किसी ने उन्हें बताया होगा, स्पीक टू गांधी जी, कि गांधी जी के पास जाइए और समाधान तुम्हें इसका मिलेगा. गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट कानपुर में है, कानपुर के ये ओल्ड स्पेलिंग है, उन्हें कानपुर जाना है और इसके बाद देश के कुछ और शहरों में उन्हें जाना होगा. ये पहले से ही कमिटेड है, ये पहले से ही तय है कि उन्हें देश के कुछ और भागों में भी विजिट करना है. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. शुक्ला गांधी जी के साथ साथ गए. अकम्पनी करना होता है साथ साथ जाना, जहां भी गांधी जी गए वहीं गए. देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. और बाद में गांधी जी लौट के अहमदाबाद वाले आश्रम में आ गए. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला आश्रम में भी गया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड. और कई सप्ताहों तक गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा उसने, शुक्ला ने, और उनके साथ ही वो रहा. फिक्स ए डेट ही बेग्ड. आखिर में उन्होंने गांधी जी से कह ही दिया कि मुझे एक तय निश्चित तारीख दे दो. इम्प्रेस्ड बाई द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सेड, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. और प्रभावित हुए गांधी जी शुक्ला की शेयर क्रॉपर, यहाँ शुक्ला ही है, उसकी फर्मनेस पे, टेनेसिटी होती है दृढ़ निश्चय पे. और जो कहानी उन्होंने सुनाई इस पे गांधी जी बहुत प्रभावित हुए और कहा उन्होंने, आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच डेट.
कि मैं फला डेट को फला तारीख को कलकत्ता आऊंगा और तुम मुझे वहां आकर मिलना और मुझे अपने साथ ले जाना। मंथ्स पास्ट, कई महीने गुजर गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी जी अराइव। शुक्ला एक जगह पे बैठे हुए हॉन्चेस पे, हॉन्च करना ये जो घुटनों के बल बैठे हुए हैं, ये जैसे ये तो एग्जांपल दिया मैंने बैठने का। शुक्ला एक जगह पे बैठे हुए हॉन्चेस पे बैठे हुए थे और इस पोज में, ये जो पोज है इसे टू सिट ऑन हॉन्चेस कहते हैं। जिस जगह का जिक्र किया था उन्होंने कि उस जगह पे मिलना, तो वहां पे वो बैठे हुए थे, इंतजार कर रहे थे, गांधी जी वहां पहुंच गए। ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री, और जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए अपने काम से, गांधी जी का इंतजार करते रहे वो। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, और फिर दोनों के दो एक ट्रेन में बैठ के, बोर्ड करना होता है ट्रेन में चढ़ना या बस में बैठना चढ़ना, और पटना शहर पहुंच गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। और शुक्ला गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए, और आप जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट थे उस वक्त, और बाद में ये भारतवर्ष के प्रेसिडेंट भी बने। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। परंतु जो घर के नौकर थे, सर्वेंट्स थे, वो शुक्ला को जानते थे कि एक गरीब किसान है जो जमीन के मालिक है उनको परेशान करता है। So they let him stay on the grounds with his companion Gandhiji, whom they took to be another peasant. इस वजह से घर के नौकरों ने एक सामान्य व्यक्ति समझा, जैसे शुक्ला थे, तो घर के किसी रूम में उनको सोने नहीं दिया और जमीन पे ही उनको सोने दिया। और peasant आप जानते हैं, person who owns or rents a small piece of land and grows crops, keeps animals, etc. Farmer type ही होते हैं सारे peasants. But Gandhiji was not permitted to draw water from the well, lest some drops from the bucket pollute the entire source. तो जब सुबह हुई तो गांधी जी को स्नान करना था, तो उनको कुएं से पानी निकालने की परमिशन नहीं मिली। पहले घर के अंदर ही कुएं होते थे और पर्सनल कुएं होते थे आमतौर पे, इस वजह से कुएं से पानी नहीं निकालने दिया, क्योंकि वो गांधी जी को निम्न श्रेणी का समझ रहे थे, तो उनकी बाल्टी से कुछ पानी कुएं में ना गिर जाए और सारा कुआं दूषित ना हो जाए। How did they know that he was not an untouchable? उस वक्त टचेबिलिटी फैली हुई थी, छुआछूत खूब जोर पे था, और बड़ी जाति और छोटी जाति समझी जाती थी, छोटी जाति के लोगों को ऐसे स्थलों पे जाने की अनुमति नहीं थी। गांधी जी डिसाइडेड टू गो फास्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण। गांधी जी ने सर्वप्रथम मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय किया, क्योंकि मुजफ्फरपुर चंपारण वाले रास्ते में ही था। टू ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। गांधी जी विस्तृत जानकारी जुटाना चाहते थे इस विषय पे, और उन्हें लग रहा था कि कहीं शुक्ला के पास आधी अधूरी कहानी ना हो, पूरी सूचना वो चाहते थे, पूरी जानकारी जुटाना चाहते थे, इसलिए मुजफ्फरपुर स्टे किया उन्होंने। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. और इस वजह से उन्होंने J.B. Kriplani को टेलीग्राम किया। आप J.B. Kriplani की तस्वीर देख रहे हैं, इधर रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर देख रहे हैं। Whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. टैगोर का शांतिनिकेतन स्कूल था, उनकी गांधी जी की मुलाकात यहीं पे शांतिनिकेतन में J.B. कृपलानी के साथ हुई थी। The train arrived at midnight 15th April 1917. यहाँ पे ये डेट चेक कर लेना। ट्रेन आधी रात को मुजफ्फरपुर पहुंची, 15 अप्रैल 1917 की बात है। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। जेबी कृपलानी अपने साथियों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ रेलवे स्टेशन पे गांधी जी का इंतजार कर रहे थे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर टू डेज। गांधी जी यहाँ पर दो दिन तक ठहरे, और वो ठहरे प्रोफेसर मलकानी के घर में। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, और मलकानी एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे।
It was an extraordinary thing in those days, Gandhi ji commented. एक सरकारी अध्यापक के घर में गांधी जी का स्टे करना एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी, एक असामान्य बात थी. गांधी जी बताते हैं, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को अपने घर में ठहराना, हार्बर करना, शेल्टर देना एक अजीब घटना थी, एक असामान्य घटना थी. In smaller locality, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. छोटे कस्बों में, छोटी localities में लोग डरते थे अंग्रेजों से, ऐसे लोगों से वो मिलने में कतराते थे जो लोग होम रूल के एडवोकेट हों. होम रूल का मतलब है स्वदेशी शासन के पक्ष में हो, अंग्रेजों के खिलाफ जो प्रचार करते हैं उन लोगों से वो डरते थे. The news of Gandhiji's advent means arrival and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Muzaffarpur में और चंपारण में गांधीजी का आना, उनकी पहुंच होना, ये समाचार आग की तरह फैल गया. सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि गांधीजी एक मिशन के साथ वहां पहुंच रहे हैं. उनका एक लक्ष्य है किसानों की मदद करना. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. चंपारण के आसपास के शेयर क्रॉपर्स कोई अपने कन्वेंस के थ्रू कोई पैदल चल के मुजफ्फरपुर में जमा होने लगे. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधीजी टू ब्रीफ हिम, और मुजफ्फरपुर के जितने भी वकील थे उन्होंने गांधीजी के साथ एक मीटिंग की. चंपारण के किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा था उसके बारे में यहाँ के वकीलों ने गांधीजी को ब्रीफ किया, संक्षेप में बताया. दे फ्रीक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पेजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि पेजेंट्स के केस वो लड़ रहे हैं, कोर्ट में ले जा रहे हैं उनके केसेस को. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और बताया गांधी जी को उन्होंने कि किस तरह से वो किसानों की हेल्प कर रहे हैं उनके केस लड़के. साथ में गांधी जी ने पूछा होगा कि आप कितनी फीस लेते हैं उनसे, किसानों से. तो जब उन्होंने फीस का साइज बताया तो गांधी जी ने उन्हें डांटा कि ये तो बहुत भारी फीस है, आप गरीब किसानों से इतनी फीस मत लीजिए. इस बात के लिए उन्होंने चाइड किया. चाइड करना होता है झिड़कना. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Gandhi ji कहते हैं उन्हें कि मैं एक conclusion पर पहुंचा हूं कि इनके cases को courts में ले जाने से मसला हल नहीं होगा, समस्या का निवारण नहीं होगा. और where the peasants are so crushed and fears taken, law courts are useless. जिस जगह किसान इतने पीड़ित हों, इतने क्रस्ट हों, उनके साथ शोषण किया जा रहा हो और भयभीत हों, ब्रिटिश रूल से वो डरते हों, तो लॉ कोर्ट्स बेकार की बात है. कानून का सहारा लेना बेकार की बात है, कानून उनका है और किसानों के साथ कोई न्याय नहीं होने वाला अगर इसी तरह से वकील उनके केसेस को लड़ते रहेंगे. इससे कोई समस्या का हल नहीं होगा. The real relief for them is to be free from fear. किसानों के लिए सही राहत क्या होगी, उनको फियर से मुक्त कराना. जब किसानों के दिमाग से अंग्रेजों के प्रति भय खत्म हो जाएगा तो यहाँ उन्हें रियल रिलीफ मिलेगा, एक राहत मिलेगी. मोस्ट ऑफ द ऑरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अधिकतर arable land जो थी वहाँ की चंपारण की, arable means suitable for farming, जो agriculture के काबिल जमीन होती है, वो चंपारण district में divided थी. बड़े बड़े state बने हुए थे अंग्रेजों के वहाँ पे, अंग्रेज मालिक थे और बड़े बड़े जमीनों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े थे और इन खेतों में Indian tenants काम करते थे. भारतीय किसान उनमें काम करते थे जो किराए पे लेते थे, रेंट पे लेते थे जमीन को और वहाँ काम करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, और यहाँ की जो मुख्य क्रॉप थी, मुख्य कैश क्रॉप कौन सी थी, इंडिगो थी, नील की खेती. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. लैंडलॉर्ड्स और किसानों के बीच में एक समझौता था, जमींदारों की जमीन पे जितने भी किसान काम करते थे उन्हें
15% जमीन में इंडिगो लगाना पड़ता था। उनको कहा गया था कि आप 15% जमीन में, अगर 15 एकड़ जमीन है तो उसका जो 15% है उसमें इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी, और वो जो खेती होगी इंडिगो की वो रेंट के रूप में एडजस्ट कर दी जाएगी, वो लैंडलॉर्ड्स को सौंपनी होगी, बाकी की जमीन में वो अपनी उपज लगा सकते। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे द फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑन इंडिगो इज ओवर। आई शैल कम अप विद सेकंड लेक्चर ऑन दिस लेसन आफ्टर सम टाइम। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।